इंग्लैंड जड़ा ने पॉइंट दिसने होने ने ता इंग्लैंड इंग्लैंड है ने अच्छा ओ ताकोन वीडियो पाड़े ने जी इंग्लैंड ने असा ता अच्छा चाणिया पाकिस्तान हाली है मलका पॉइंट लेनी है चंदेनी पर चेक करी सकने हो ओए होए 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 आई नाव चेक करो मीनार ए नाल गुम बद बनती है ते ए गोंस ले चेक करो सा ने भी जी कैंडी खंडे होसन जिनेद साहब औज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन संदकन लगे हुए यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज चकसवायो टीवी ऑफिशियल उम्मीद करने हैं जी सारे दोस्त बाप ठीक ठाक हो सो और अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ो अमान जो सो व्यूअर्स आज अस मौजूद हां पनियाम ने मकाम पर अच्छा से नजर आई थी उसी है एक कोठी बनती है बंगला ते जुलने असें विजिट कराने हैं इत्थे अक्सर दौर च पानी होना सी हुन ते मिशक 3-4 साल लेकिन बंगला डेवना पानी बिल्कुल फुल नहीं होया ते ए जनाब बंगला जनाब पानी विच होना सी अच्छा जी उसने असा जी सुनती है पता नहीं अल्लाह बेहतर जानना मैं कि सच है या झूठ है क्योंकि बंदा असें लभी गया तो पता जाहिर फिर उसको पूछी कौन सा तो आने जिले मंगला डेवे ने पानी था जनाब फुल होया ना तो आने जिसनी पहली स्टोरी सी ना उसने जी पानी होना सी तो उसने जी अपनी स्टोरी बंदे रहने होने सन तो आने जिले असें मछवा रखे होना सी कश्ती या मछवा कोई टैबी या कोई चीज़ सी आने वो जनाब उसने बहने से हथों यह रोड है नाल इतने पानी होना सी डैक बनते बंद बनते हुए इतों भी तो जाने से पहली स्टोरी पर उतरे रहने होने सन तो बाकी अल्ले पिधर जाना मैंने जो रेह इतने रहने हो ना मैं जी म्हौल तकिया उस ना तकी सकने तो बाकी जुले उन्हें थले तकने क्या कुछ ज्यादा बाकी जो भैन भ्रा चैनल नवे आयो यानी कि सब्सक्राइब करना नहीं भुलना तो अगर फेसबुक पर तकन लगे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करना तो बाकी जुले थले तकने क्या क्या कुछ म्हौल है तो आई जाओ जनाब बस हम नीचे आई गए तो यह जनाब तो कोई कोठी बनती सी कोठी क्या होगा ना बंगला बनते सी बंगला तो ये हमेशा क्या मेन एंट्रेंस से गेट लगे सी ये कोई इधर निका गेट आया इधर बड़ा आया तो बाकी जिले अगर तकने अंदर हूँ क्या कुछ है तो इस बारे च एक पहले इधर जुलने कुआं बगैरा कुछ पर है बंद हो जाए क्या एहतियात मारो या किसी टफरा का ना मारो उसने गुस्सा करी गया जी हाँ सेफ्टी वास्ता बाकी माल बगैरा वाल होना बकरियां बगैरा बिचना भी ले जाओ उसने बंद किया पर कंडे रखी उड़े ने तो इसने बाइक और गल सुनती है कि उन्होंने जल्द पहली बार डेम चढ़िया ना पानी जल्द इतना अंदर आया जल्द वापस लिता जो बंदे रहने वाले सन ना वो दोबारा मुड़े इतना शिफ्ट हुए तो उन्होंने थली स्टोरी पानी होना सी है जी जी थली थली स्टोरी है उन्हें इतना पानी होना सी जी अपर स्टोरी सी ना तो उसे रहने से उतना पार है लाया उन्हें कश्ती दी मछवा दी उन्हें कश्ती बरार पार होने से पता नहीं गल हकीकत है या हकीकत नहीं है इस गलों से नहीं पता तो बाकी जल्ले अंदर तक कितनी एक बड़ी कोठी है इतना मशाका कोई रहना है जी भी सुन सा रहना नहीं सॉरी डेरा बनते हैं कोई वह तो मंजा नहीं खवालने होने उस चीज़ पे ही है तो बाकी क्या पाने सुन सा जुलिया जा पर जा मैं आज बल्ले बल्ले जुलने कुछ नहीं होना अल्लाह बेहतर कर सी टेनी शेनी नहीं है डेट से भी टेप है जनाब तो पौड़ियाँ पौड़ियाँ चलने पे उपर है जनाब नहीं दूसरी स्टोरी है डबल स्टोरी तक कितनी डेरा बगैर उसे रखे ना तो ऐसा भी ज्यादा तो बगैर ही बड़ी है अंदर है ही करें बाकी आदि से तक जो बेड़ा तय बेड़ा चेक करो कितना बड़ा सी अपने दौर ना सही बंगला सी नाल ही अगर इतना दरख्त तक सफेद ने दरख्त लगे तो यकीन करो इतना सोना लगन लगे ना कैमरे जितना सोना लगे अस अपनी अखन तकी सकने कैमरे की बात उस नज़र नहीं आई आ रही होगी इस तो उपर एक मंजिल है तो उस तो उपर ममटी बनती है त्रै मंजिल ही सी जनाब कोठी उस दौर अपने दौरे बड़ा खर्चा किया उस इन्ना ये गल हसने साहब ये जनाब चलने वाशरूम है तुम्हारे लिए चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या हाँ दरवाजा कौन लगे बाकी जिले जनाब चेक करने असर इधर कमरे है जनाब चेक करो अंदर कमरे इसने इधर अच्छा जनाब बाकी जनाब इधर व्यू चेक करो खाली दरवाजे चो ना इधर पानी खलना आया वैसे मगर डेम नाल बंदे रहने वैसे यकीन करो थला पानी तो ना ही डेम तो कितना खूबसूरत मंदिर दिल नजर आ रही है उसकी जनाब बस आप पर आ गया छत्ते पर जिसने तीसरी मंजिल है छ
ਸਾਈਡ ਕੋਸ ਮੰਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਅਛਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਈਡ ਜੇ ਵੀ ਗਰਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੱਕਾਂ ਨਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਰਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿੱਚ ਗਰਾਂ ਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਣੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਉਣੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗਰਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਸੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿਲਾ ਸਾ ਪਾਣੀ ਛਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਡੈਮ ਨਾ ਕਿਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਗਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਨਿਆਮ ਡੈਕ ਵੀ ਆਉਣੇ ਅੱਗੇ ਰਨੋ ਬਹੁਤ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਰੋਡ ਜਾਣੀ ਹੈ ਛੱਪੜਾ ਰਨੋ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਬਗਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੱਲਣੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਮੋਲ ਬਣਨਾ ਫਾਈਨਲੀ ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ ਥੱਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਲਿਆਂ ਮਕਾਨ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਮੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਅੰਦਰ ਆਈ ਜਾਓ ਓ ਵਾਓ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਸੀਲਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਚੱਕਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਭੱਜਣੀ ਚਾਹ ਭੱਜਣੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਟੋਟਾ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਖੁਦ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਾਰਨੇ ਬੁਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਹਿ ਮਾਇਆ ਸੁਣਾ ਜੀ ਫੇਲ ਕਰੀ ਫਿਰਿਆ ਉਹ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਸ਼ਿਵਲ ਮੇਲਾ ਭੋਏ ਗਿਆ ਸ਼ਿਵਲ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਤੱਕੋ ਇਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਹੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੰਗਲੇ ਸਨ ਇਹ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਦਰੀ ਕੋਈ ਸੀਲਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਵੀ ਏ ਪੀ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਮਝੀ ਹਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸੀਨ ਬਾਕੀ ਨਾ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਲੱਭੇ ਕੁਝ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਨੇਹ ਸਭ ਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂੰਜੇ ਡੈਮਾ ਸਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲਣੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਰਿਵਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੂਹ ਬੜਾ ਗਰਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹ ਤੱਕ ਹਸਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੰਬ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਹੈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉੱਧਰ ਹੀ ਮਕਾਨ ਡੱਠੇ ਆ ਇੱਧਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਸਕਣੇ ਹੋ ਇਹ ਜੋ ਸਨੇਹ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨੇ ਜੁਲਨੇ ਆ ਇਹ ਜਨਾਬ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਟਾਂ ਚਿੱਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੋਰੀ ਪਈ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਅੱਛਣੇ ਆ ਜੁਲਨੇ ਆ ਅੱਗੇ 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 ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਵੈ ਖੂਨੇ ਨਾਇਕ ਜੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਛੱਤ ਜਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਭੱਜਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਵੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਪ ਬਣਿਆ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘਟੇ ਪਿਆ ਵੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਆ ਜਾ ਇੱਟਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਠੀਆਂ ਗੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕਿਨਾ ਜਨਾਬ ਕਹਿ ਤਾ ਥਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਬੜਾ ਗਰਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜੁਲੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਤੱਕਣੇ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਅਸਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਔਰ ਅੱਗੇ ਰੈਡੀ ਹੋਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਫਟਾਫਟ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਜੁਲੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਰਸੂ ਸੀ ਆਉਣੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਕ ਹੈ ਇਹ ਫੁੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਫੁੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦਵਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦਵਾਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਜੀ ਹੈਂ ਓਏ ਓਏ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਚੱਕਰ ਦਾ ਦਵਾਣਾ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਭ ਜੋ ਹੁਣ ਕਹਿ ਤਾਂ ਸੇਬ ਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣ ਜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੇਬ ਸ਼ੇਬ ਹੋ ਸਕਣਾ ਖਾਈ ਸਕਣੇ ਨਾ ਖਾਈ ਸਕਣੇ ਕਿਆ ਸੇਬ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਹੋ ਚਲੋ ਹੈ ਰੱਖ ਜੁਲਨੇ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਸਕਣੇ ਹੋ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਖੂਹ ਹੈ ਨੇ ਚਾਰ ਸ਼ੇਰੀਆਂ ਜਨਾਬ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨੀ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੋੜ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਢਲਨੇ ਹੋਣੇ ਨੇ
इन्ना कर लो शक है कोई 100-200 फुट तो ज्यादा ही होना चाहिए बहुत डूंगा खूह है ये जनाब उस दौर च बनाने होने सन बंदे जिल्लै और जी बोर्स वगैरह कराने बोर वगैरह घर या सप्पे ने पानी उल्लै कौन से जाना उल्लै सीधे भरने सन इत्थै लगे होना सी दिक्कत सन पता नहीं बोका या कैसे होने सन और जनाब इं फेरने सन तो बिच पानी बाहर आई जाना होना सी बाकी जनाब चेक करो बड़े पुराने दौर की मस्जिद है अल्लाह ताला ही इधर जाना कितनी पुरानी है नाल कब्रां भी बनती हैं छो कब्रां डेट तकने हैं आई जाओ जी सर 19 ये लिखी है जी वफात 1981 लिखी है या 71 लिखी है समझ नहीं लगन लगी जनाब कोई डेट सी नज़र नहीं आ रही इसने बता रही है जिसने लिखा जी 1994 जी वफात नदीन ने लिखे वह चलने मस्जिद ने अंदर तकने क्या कुछ है आई जाओ जी जिनेद साहब जनाब सेंटर हल गया वाह माशाल्लाह ये जनाब तक वजू करने जगह बनती सी बाकी ना बस अंदर रह गए तको कितनी खूबसूरत सी मस्जिद बनती है टैलों के कोल पर लगी हैं ये अगर छत से चेक करो तुसा इसने पर लगे है वह घा च लगे है जल्द पानी अंदर से बनना ना जो पानी पर घा वगैरह होना ना घास वगैरह उपर चमुटी जाना वो चीज़ मतलब जरा मतलब डैम जो पानी की हाइट से ना बिल्कुल छत्ता नाल से पानी पूरी मस्जिद पानी अंदर से जुल कमरे अंदर इतने तकने क्या कुछ है आ चेक करो जनाब अलमारियां लगी हैं लकड़ी दियाँ डर लगना कोई शाही बुला ही ना हो बड़ी ये तो कहना बाकी अगर डैम बनाना तो ये यकीन करो डैमेज को नहीं है बिल्कुल वह बिल्कुल से नवी मस्जिद तैयार ही होनी है थोड़ी सफाई वगैरह वह तो सैम उगे चीज होनी है तो अगर जुलने अस एक और कमरे माशाल्लाह बाकी चेक करो जनाब अगर थोड़ी जी सफाई हुई जाए सफाई तो यकीन करो पता लगे बिल्कुल नवी मस्जिद है कुछ शीशा वगैरह बिल्कुल सही चमकना लगे आ ये लिखाई वगैरह जी इसने पर ऐतल कुर्सी लिखी है बिल्कुल सही क्लियर नज़र अच्छी लगी है बिल्कुल भी खराब को नहीं है भी हमेशा का मस्जिद आपू ज्यादा इतनी पुरानी नहीं जिनेद साहब ही गल है हमेशा के 10-12 साल ही उस नवी नवी बनती है जनाब उसने बाहर आई गए अगर सौ चेक करो पिछले पूरा जरा ना दूआ पनियाम ग्रां है तो वह पार जनाब अगर इस साइड तक तो कलियाल बगैरा ग्रां छना होगा कलियाल चक वो इस साइड पर उधर अगर जो थोड़ी जी जहाँ लद्दड़ लद्दड़ आई जाना होगा तो बाकी जनाब असें जल्द छत्तें पर भी पौड़ियाँ तक लगी हैं तो जिन्हें सब जो जल्द अगर तकने पर क्या कुछ नज़ारा अच्छा होगा है जनाब बस आई गई उपर ते कुसै ने जुत्तियां भी पईं तक इतने है जनाब चेक करो मीनार नाल गुंबद बनती है तो इधर वो भी बनती है वह छोटी छोटी मीनार तो गुंबद बनते हैं छतरी नुमा असा तो क्या चक्कर कोठियां पर जल्द इं लाने ना इं चन्ने की सीढ़ी उपर ते उसने पर छतरी जी लाई छे फैशन जी होना डिजाइन जहाँ ये शायद उस नहीं होवे कोई तो बाकी जनाब चेक करो इस है जनाब भज्जी हैं तक हाँ शीशा भज्जे है तक आओ जी गेंडा सीजन क्या कुछ जाने ये लकड़ने लग गए तो अजय भी मजबूत ने सही मजबूत हैं तो बाकी जुलने हूँ अगर हाँ जी नाजरीन हूँ अजय रहा जी असि ग्रां वगैरह दसी रहा ना तो हूँ जुलने बल्ले बल्ले अगर ते पार पिछले माहौल चेक करो जनाब ग्रीनरी मंगला डैम ने अंदर ते जिनेद साहब हां जी कैसा फील हो रहा मजा आ रहा हां मजा आ रहा क्या कहते हैं तक कौन क्रिस्प बोतल एक बोतल है क्रिस्प ज्यादा ज्यादा त्रै बंदे दिखे भी सा ज्यादा नहीं पीने होनी है नाजरीन सामने सामने तक सकने तुसा माहौल चेक करो जनाब मंगला डैम ना इस साइड कर तुसा तको ते सरसों जनाब अपने पूरी मौज च लगी हुई है बड़ी बड़ा खूबसूरत मंदिर पेश करिए मैं कि बैक कैमरे व्यू दसना फाइनली जनाब अस ग्रां वगैरह दसी रहे थोड़ा सा अगे ते मंगला डैम इतने मंगला डैम भी होना व्यू जरा चेक करो हाँ वह पार सामने बड़ा एक मशहूर पत्थर नजर आए उसी है मशहूर तो नहीं सी है पर असा कभी छोड़ा उसने नाल गए तक जनाब सरियाँ कैडी खूबसूरत नज़र अच्छी लगी हुई है तो वह पार है डिंगी नक्का दरबार उसने मैं चंद दिन पहले अपलोड की वीडियो शायद तकी हो अगर नहीं तकी तो मैं चैनल जे तकी सकने
ते बाकी चलने जनाब वापसी आह्ली साइड पर तकने अग्गे अग्गे कुछ मुल बनना वै आई जाओ। और व्यूअर चेक करी सकने जनाब असने दो छोकरे जेह्ड़े नाल इन्होंने फोटो ने कीड़ा नहीं खत्म होने लगे आ। मैंने कहना मैं चलो जल्द वापस मौसम खराब है तो ना कि बारिश वगैरह हो जाए तो असें भी चेक करी सकने जनाब तक हाँ काले काले बादल छाए हुए तो यह मकान नहीं लगे हुए तो हूँ जल्द वापसी आह्ली साइड पर। उम्मीद करने जनाब तुम कि अजनी वीडियो पसंद आई उसी जिन्हें सवाल पूछने कि जनाब कैसा रहा माहौल सन माहौल जी चंगा रहा चस वीडियो चस आई है तो वीडियो की लाइक कराए तो कमेंट शेयर कराए तो चैनल सब्सक्राइब करो मुड़े मेहनत बड़ी करने तो इन्हें कोई मेहनत ना फल भी दियो ना। अच्छा जी तकी है जनाब ये मकान तकने पुराने वो जिंदगी ज्यादा आसान थी जी गुजारने लगे हूँ वो आसान सी वो जिंदगी मुश्किल सी अजकल नहीं आसान है पर जड़िया उस तरीके की जिंदगी सी ना जिंदगी चंगी सी जिंदगी ना बहुत ज्यादा देसी माहौल पसंद करना इयै गल है देसी माहौल चंगा होना तो जो आने इंग्लैंड जासा या सऊदी जासा या दुबई जासा और कई न्याय देसी माहौल पसंद होना दसो हाँ जरा वो इंग्लैंड जरा पौंड दसने होने ता इंग्लैंड इंग्लैंड है अच्छा पौंड जी इंग्लैंड ने असा तो अच्छा चाहे पाकिस्तान हाली है मलका पौंड लेनी अच्छे देनी वो मरी गए पौंड वाली मलका हूं हूँ जो भी है वो नहीं अच्छे देना रेट तो है पाकिस्तान च इतना रेट तो है त्रै सौ उत्थे एक रुपया तो इतना त्रै सौ बनी जाना इतने त्रै सौ रुपया लीटर पेट्रोल लागे दसो तुम इंग्लैंड हिसाब पूछना मैं फोन 200 आटा भी सस्ता फोन 300 आटा भी महंगा महंगाई जनाब उस बंदे वै महंगाई होनी बंदे कम नहीं कराने खास कर मजदूर दर तबका उसने वजह से बड़ा असर होना जो पौंड वगैरह छिने जहर है वो जो महंगाई होनी है नाल पौंड रेट बदन लगे उन्हें कि हिसाब इक्का च लगना वे हूँ कल नहीं मगर तुम्हें कि मैं दसा कि असने बाजार जिन्ना भी ऐलान कराया पता नहीं कि बंद सन मिशा जमात इस्लामी मैं सुनता सर उन्होंने बाजार बंद करो एक बंदे भी दुकान नहीं बंद की तभी दसो जो गरीब है वह ज़्यादा मजदूर कि खासी उन्हें जनाब महंगाई बड़ी होने लगी है जो दुकानदार उन्हें क्या परवाह जिन्हें चीज़ा महंगी होनी जो अगर उन्हें समाल स्टॉक किए होने वे उन्हें 50,000 ने किन्ना रेट डबल होना वो लखे रुपये छोटे दुकानदार की थोड़ा मसला बनी जाना बड़े की तो कोई मसला नहीं ना उस स्टॉक किए होना छोटा दुकानदार क्या और डेली चीज़ किन्ना डेली कि बेचना मैं बाकी है गल पर एक बंद भी यकीन करो दुकान नहीं बंद की बाकी ना वीडियो काफ़ी लंबी होने लगी सी तो उम्मीद करना तुम्हें वीडियो पसंद आई उसी तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो की लाइक जरूर करना है तो अगर फेसबुक तक लगे हुए हो तो फॉलो भी जरूर करना है चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना नेक्स्ट वीडियो में तब तक अल्लाह हाफिज़ बाय बाय बाय।